अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं जैनब आस आपकी लंबी दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज को आगे लेकर चलेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 2A को ही आगे लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम इसको कर चुके। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्वेश्चन नंबर 5 और 4 वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ होने वाला है। दरअसल बस इसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी चेंजिंग है कि असेंडिंग, पहले हमें सिर्फ उन्होंने नंबर लाइन पे हाईलाइट करने का कहा, फिर उन्होंने हमें कहा कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे हाईलाइट करें, अब उन्होंने कहा कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे नंबर पे हाईलाइट करें। तो बेटा जी, अब मैं बताता चलूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या करना होता है, बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ आना होता है। क्या करना होता है? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना होता है। तो अभी हम देखने लगे हैं जी, अल्लाह आपका भला करे, अभी हम क्या करने वाले हैं जी, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये किस तरह से होने वाला है। तो जी, सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये लाइन ड्रा कर ली, ये सिर्फ लाइन है, ये नंबर लाइन नहीं है। मैं बार बार आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपने याद रखना, जब तक इसके ऊपर नंबर नहीं आएंगे ये नंबर लाइन नहीं कहलाएगी। तो हमने इसके ऊपर 0 लिख दिया, चलो जी नंबर आ गया। उसने पहले वैसे कहा भी है कि 0 मेंशन करें, हमने 0 मेंशन कर दिया, यहाँ पर आ गया 0। अब मुझे बताएं, मैं आपको बता चुका ना, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, दरअसल वो वैल्यू उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। ओके, तो हमने लेकिन बड़े से शुरू करना है, तो बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन है? 130। तो हम 130 कहाँ होगा, इधर होगा ना 130। 0 से इधर पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं, ठीक हो गया। ओके, 130 यहाँ पे, उसके बाद 32, हम कहते हैं जी 32 कहीं यहाँ पर है, ठीक है जी। और उसके बाद ये 0 आ गया, फिर माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, और जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी। मुझे बताओ इन दोनों में फिर कौन सा बड़ी है? ये बड़ी है ना, तो हम इधर लिखेंगे जी -18, फिर -145। तो इसका मतलब यह हुआ कि तरतीब अब नंबर लाइन पर अगर हम गौर से देखें तो क्या बन रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरतीब क्या बन रही है, ऐसे यही बन रही है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, 130, फिर क्या आएगा 32, फिर क्या आएगा 0, -18 और -145। बस सवाल खत्म, इतना ही सवाल था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अच्छी तरह से कर लिया तो ये तो आपके लिए बिल्कुल चुटकी बजाते सवाल सॉल्व हो जाना है। ओके, तो ये 3.4, अब हमने देखना है जी इसी का बी पार्ट देखना है। और बी पार्ट में देखते हैं जी, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी हमें, क्या करनी पड़ेगी। एक नंबर लाइन ड्रा कर ली हमने, नंबर लाइन ड्रा करते हैं, करने के बाद हमने क्या करना है जी, देखना है यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कौन है जी, ये 20 है सबसे बड़ा, कौन है सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 20। तो ये आ गया 20 हमारा। अरे 0 कहाँ है जी, 0 हम बिलफर्ज यहाँ रख लेते हैं, लेकिन हमें इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए किया जाता है दरअसल कि आपको पता रहे कि इसके इस तरफ पॉजिटिव नंबर, इस तरफ नेगेटिव नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हम कह देते हैं जी हमारा 20 बड़ा हुआ है, दरमियान में है नंबर, लेकिन हमें उसे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3.7। अब 3 पहले तो हम देख लें 3.7 कहाँ होगा। 3.7 3 से आगे होगा और 4 से पीछे होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं यार 1, 2, 3, अच्छा और ये 4 कर देते हैं। तो 3.7 कहाँ होगा, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 3, और ये 4 हो गया, यानी कि 3.7 होगा ये। तो ये हमारा जी 3.7 आ गया, अच्छा बिल वर्स 3.7 है ये हमारा। ओके, उसके बाद उसने कहा हमें बताएं माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। तो हमने पहले देखना है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू को, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें से, ये वाली -4.50, वो कहाँ, कौन सी है -4.5। पहले तो ये होगी 4 और 5 के दरमियान, तो पहले 4 देखें कहाँ है, बिलफर्ज यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 4.5 कहाँ होगी, 1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 7, 4.8, 4.9। तो ये रहा हमारे पास 4.5, ये वाला जो पॉइंट है ये है जी -4.50, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। ओके, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, -4.50। और इसी तरह -5.6, ये 5 और 6 के दरमियान होगा, ये -6 हम लगा लेते हैं यहाँ पे, -5.1, -5.2, -5.3, -4, 5.5, -5, ये 5 है, ये 6 आ गया। तो ये पॉइंट है जी हमारे पास -5.6। तो अब मुझे बताएं ज़रा ऑर्डर में, बताएं डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है जी। सबसे पहले लिखते हैं बड़े वाली वैल्यू, ये आ गई 20, ठीक है जी। अभी आप खुद करेंगे ये वाला सवाल कंप्लीट, आपने खुद कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ भी आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जो हम देखने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 7,
एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान, इतना आसान कि आप चुटकी बजाने से पहले सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई तो ये सवाल आपके लिए ऐसे ऐसे जवाब लिखना है बस, ये भी देर से बचती है, आपका जवाब पहले से आपके दिमाग में आ जाएगा। नहीं जी, अब आप मुझे बताएं कि ये कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में कह रहा है हमें कि एब्सोल्यूट जीरो, कौन सा जीरो? एब्सोल्यूट जीरो, जिसको जानने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है कि क्या होता है, दरअसल वो खुद ही बताएगा हमें। कहता है डिफाइंड एज जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो कैसे कहते हैं, जीरो केल्विन के ऊपर हमने जिसे डिफाइन किया हुआ है, इज द थियोरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ये क्या है, मतलब हमने दिमाग में इसे सोचा हुआ है कि ये सबसे थोड़ा टेम्परेचर है जी। अच्छा जी, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ टेम्परेचर ऑफ 273.15 डिग्री। इसको कहा जाता है जी ये सबसे छोटा, ये जो टेम्परेचर है ये कितना है जी, 273.15 डिग्री है बिलो जीरो, ठीक है जी। अच्छा, अब कहता है रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग अ नेगेटिव नंबर, चलें इसके इस नंबर के साथ ही नेगेटिव लगा दें, वो सिर्फ ये कह रहा है आपको। अच्छा, ये सवाल आप कहेंगे सर इतनी बड़ी बात की है और फिर उसके बाद, दरअसल इस बात को उनका आपको ये बात करने का मतलब सिर्फ ये है कि ये बात आपके माइंड में रह जाए, क्योंकि आगे आने वाली फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी हायर स्टैंडर्ड में आपने इन चीज़ों को देखना है और इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मेंशन करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये आपके दिमाग में ना छोटी सी बात है, लेकिन ये आपके दिमाग में कहीं किसी कोने में किसी हिस्से में ये बात स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये आपको दरअसल जो बताना चाह रहे थे वो सिर्फ बताना चाह रहे थे जीरो केल्विन के बारे में, कि वो क्या होता है, एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जो जिसे हम क्या जो किसके इक्वल होता है 273.15 डिग्री के, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है इस नंबर को नेगेटिव के साथ मेंशन, नेगेटिव के साथ इस नंबर के साथ नेगेटिव लगा दें, तो हमारा जो इसका आंसर आना है ना क्या है जी, -273.15 डिग्री, सो ही वाला सही है जी, बस सवाल खत्म हो गया, बस इतना ही था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल सवाल हल हो गया। ओके, इसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये ए आ गया, इसी तरह से हमारे पास आ गया इसका बी पार्ट। बी पार्ट में वो कहता है हमें द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज द बैड वाटर, बैड वाटर पढ़ रहे हैं जो भी ये पढ़ते होंगे, बैड वाटर बेसिन विच इज 86 मीटर बिलो सी लेवल। अच्छा जी, 86 मीटर बिलो सी लेवल है जी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 86 मीटर बिलो सी लेवल। अब मैं आपको चले बिलो ही लिख रहा हूँ, सी लेवल भी लिख रहा, हाँ क्यों, क्योंकि उसने आगे अबव पूछना है, तो अबव को किस तरह से मेंशन करेंगे मैं आपको बता दूँ, रिप्रेजेंट दिस एटीट्यूड यूजिंग अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर अगर ये अबव है तो वो क्या होगा, बिलो होगा। सिर्फ आप उन्होंने कहा है इस नंबर को आप नेगेटिव के साथ शो करें तो हम क्या करेंगे, माइनस, हमारा सोल्यूशन सिर्फ इतना है इसका -86 मीटर, बस खत्म हो गया, इससे खुद ही पता चल जाएगा कि ये बिलो है अगर बिलो के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो ये सवाल भी हमारा इसी तरह से खत्म हुआ, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको, छोटा सा सवाल, बिल्कुल छोटा सा सवाल आपको समझ आ गया होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगगा। अगर हमारी वीडियो को पसंद आई आपको तो इसको लाजमी लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 8 जो बिल्कुल इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के हू बहू है, जिन्होंने वो देख लिया अच्छे से कर लिया उनके लिए ये बिल्कुल ऐसे हलवा है, हलवा, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये बेटा जी हमें सिर्फ बताना है कि इन दोनों में से नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो अभी हम कैसे बताएंगे, मैंने आपको बताया था नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, और हमने एक बात ये बात की थी, दूसरी हमने बात ये की थी कि जिस तरह मुंह खुला होता है वही वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो बताओ इन दोनों में बड़ी कौन सी है, -4, क्यों -4 तो कभी नहीं बढ़ा सकता, क्यों, मैंने बेटा जी आपको वजह बताई कि माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, तो ये वाली छोटी है, फिर ये 6 हमें बड़ा नजर आ रहा है ना, दरअसल ये बड़ा नहीं है ये छोटा है, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या आ गया, माइनस आ गया है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, ये बड़ा है हमारा, ये बड़ा है, हम इधर को मुंह खोल देंगे। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, नहीं ये बड़ा नहीं है, क्यों नहीं बड़ा, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही दरअसल छोटी होगी। तो बेटा जी इन दोनों में फिर कौन बड़ा है, ये बड़ा है, नंबर इधर को मुंह खुलेगा हमारा। अब इनमें हम कंफ्यूज रहेंगे 1/5 और 1/3, तो बेटा जी बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर उठाना है और आंसर देखना है इसका, 1/5 आंसर आएगा 0.2, अच्छा, और 1/3 आंसर आएगा 0.333। अब मुझे बताओ 0.2 बड़ा होता है 0.3 बड़ा होता है 0.3, डेफिनेटली 0.3 बड़ा होता है, तो ये हमारे पास 0.3, हम मुंह इधर को खोल देंगे, क्या करेंगे, इधर को मुंह खोल कर देंगे, इधर को, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे नहीं, -1/3 और -5/3 इनमें कौन बड़ा है, कैसे पता करेंगे, जो भी इन दोनों में से छोटा होगा वो बड़ा होगा दरअसल, क्यों, क्योंकि इन दोनों के साथ क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो -1/3 देखते हैं जी, 1/3 हमें पता है 0.3 आया था हमारा, पहले भी आया, अब ये देखना है हमें 5/6 क्या होता है, ये होता है 0.8, ये क्या होता है जी,
0.8। अब मुझे बताओ 0.8 बड़ा है या 0.3 बड़ा है? 0.8 बड़ा है, लेकिन दोनों के साथ माइनस है, तो 0.8 छोटा है और 0.3 बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, मुंह किधर खोलेंगे? बस सवाल खत्म। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से किया हुआ है तो ये सवाल तो बिल्कुल आसान है। तो मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आसानी से आपके आपका जो क्वेश्चन है ना वो हल हो गया होगा। ये ना दरअसल किताब वाले समझते हैं कि पता नहीं बड़े हम कोई फनकारी लगा रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन बच्चे हमारे इलम की दुनिया का चैनल देखते हैं, इनके लिए ये सवाल बिल्कुल आसान है, इनको पता नहीं है ना दरअसल। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताकि और सबसे जरूरी बात आपने क्या करनी है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बावक्त मिल सकें, बर वक्त जो है ना आपको वो मिल सकें। और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।